Crespo. Curso. Class. Duelo. A ver, con integração. से संबंधित जितने भी सवाल हैं इम्पोर्टेंट इनको हम जानेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में तैयारी करने वाले हो, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले। आप किसी भी वीडियो को छुएंगे तो बीच वाले हैशटैग को छुए तो सभी वीडियो का लिस्ट आ जाएगा, या नहीं तो आप हमारे वीडियो प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पाला आंसर जानते हैं, ये डी एक्स बटे, चलो हल्ला नहीं, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बोलो किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है, तो ये जो है आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, बी इसका सही ऑप्शन हो गया। अब अगला देखो डिवी आई ऑब्जेक्टिव, ये इस प्रकार, चलिए डिवी आई ऑब्जेक्टिव, अभी जो बनाया इसका वो आंसर नहीं आया, ऑब्जेक्टिव में सर डायरेक्टेड सब्जेक्ट 2012 या 2013 में पूछा, चार नंबर में एक उसी का, देखो इसका परिमेयकरण कर दो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो, हमको सब तीन सीना मैथ बना लेंगे ना। एग्जाम देते हैं तो शुरू करेंगे, तुम लोग कैसे ना बढ़िया से पकड़ेगा, तुम लोग शुरुआत से बनाते हमसे पूछते जाता और बेहतरीन हो जाता। अब देखो इसमें क्या आएगा आपको, ये आपको आएगा 10x और 1x, समझ लो। देखो इस प्रकार से है कि डी एक्स अब बट है 1 माइनस 10x है ना, इसका परिमेयकरण कर देते तो जो संख्या रहेगा माइनस में तो प्लस लेके, प्लस है तो माइनस लेके गुणा कर देना है, अभी तक जो जानते आए हो। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 प्लस 10x ऊपर हो गया ना, तो 1 प्लस 10x हो गया 1 माइनस 10x को हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर एक्स से एक में भाग दो, एक बटे कोस स्क्वायर एक्स होगा ना, उसको हम क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, इसमें भाग देगा तो साइन बटे कोस क्या होता है, देखो कोस बच जाएगा ना क्योंकि कोस स्क्वायर है, तो यहाँ देखो साइन बटे कोस स्क्वायर एक्स हो गया, तो साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं, देखो कोस बच गया क्या हो गया सेक्स डी एक्स, उसके बाद देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x होता है ना, 10x sec x का क्या होता है sec x, c हो गया ना। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, सी का जी, ये आपको ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो गया बी। अब जो अगला है डीवी आई ऑब्जेक्टिव, ये इस प्रकार से है, रूट ओवर एक्स 1/√ क्या हो गया एक्स, एक्स हो गया ना, चलो बनाने के लिए क्या करना है, एक्स पावर क्या हो गया 1/2, ये ऊपर चला गया, एक्स पावर क्या हो गया -1/2, ये डी एक्स हो गया ना। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर में इग्नोर देते हैं और जो पावर बनता है उनसे भाग देते हैं, तो इंटीग्रेशन में ना जी पावर में एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये पावर से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे ना, ये हो गया ना। अब देखिए
तो यहाँ पर जैसे आधा के जी में एक के जी जोड़ेंगे कितना होगा? ये आधा किलो में डेढ़ किलो हो जाएगा। डेढ़ किलो को हम क्या लिखते हैं? 3/2 हो गया। ये भी 3/2। उसके बाद देखो ये माइनस हाफ के जी है, मतलब 50 पैसा कर्जा है, 1% उसको दे रहा है कोनो दुकानदार का, जो है तुम्हारे ऊपर जो है 50 पैसा है, समझ गया ना? 1% उसको दे दिया दुकानदार के, यहाँ तुम्हारा कितना रुपया बचा? 50 पैसा है, 1 रुपया उसको दे दिया, क्या रुपया दुकानदार के पास बचा? 50 पैसा नहीं बचा जी। बोलिए 50 पैसा को हम क्या लिखते हैं? जैसे मान के चलो कि दुकानदार का 50 पैसा का कर्ज था, 1 रुपया दे दिया, माइनस में घुसा 50 पैसा तुम्हारे ऊपर था दुकानदार का, दुकानदार को 1 रुपया बोल रहे हैं, सोच रही मतलब 50 पैसा मेरे पास, हम 1 रुपया उसको दे दो। वही एकदम तुम्हारा ध्यान किधर है कहता है तुम्हारा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो? चलो तेरा हीरो किधर है बोल तो। हीरो यहाँ सवाल हो गया। एक अमान जीरो आंसर आ जाएगा, एक अमान जीरो आ गया। क्या हो गया जी? यू वी के फॉर्मूला पर बैठा देना। यू वी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? जैसे इंटीग्रल यू इनटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। तो अब देखो ये फॉर्मूला होता है यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू डी यू बाय डी एक्स वी डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स का होल वी डी एक्स का होल इंटीग्रल। फिर नहीं बोलना है होल इंटीग्रल, पहले ही बोल देते हैं इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ, याद रखो शुरू में बोल देते हैं तब कैसे हम पढ़ते हैं। जैसे ये आपको इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स, देखो इनका फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ बोल चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ बोल चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ मतलब हो गया कि ये हो ही गया डी एक्स है ना, तो इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी एक्स हो गया। तो बैठाते हैं तो लोग ये तो यू है जी, ये क्या होगा निकल जाएगा बाहर, तो लोग ई टू दी पावर क्या होगा एक्स डी एक्स माइनस क्या होगा डी यू बाई डी एक्स होता है, तो लोग ई टू दी पावर एक्स बटे डी एक्स। उसके बाद देखिए ये वी डी एक्स, वी डी एक्स का क्या होता है, अच्छा वी का मान पहले बैठाते हैं, ये डी एक्स हो गया ना, लोग ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का एक्स हो गया। उसके बाद देखिए इसमें आपको हो गया लोग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स की जगह क्या है ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का क्या होता है ई पावर एक्स से होता है, डी एक्स का क्या होगा एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स, ये और ये कट गया एक्स और लोग ई टू दी पावर क्या हो गया एक्स माइनस, अब देखिए एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस क्या हो गया कोस एक्स, ये डी एक्स बटे क्या हो गया रूट ओवर 1 + sin 2x, ये हो गया ना। देखो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोस एक्स हो गया। देखो वन को हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये डी एक्स हो गया। फिर देखो ये साइन एक्स प्लस क्या हो गया कोस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट में रूट से क्या होगा बाहर निकलेगा। देखिए लोकल छोड़ रहे
ये देखिए स्क्वायर में है ना, तो रूट से बाहर निकल गया तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स हो गया, ये खत्म। खत्म होने के बाद देखो डी एक्स हो गया ना, एक्स प्लस क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार से सवाल की साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे क्या है, रूट ओवर वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स है ना, तो साइन एक्स कोस एक्स को यहाँ पर उतार दिए, वन का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया ना, ये प्लस भाग ये साइन टू एक्स फॉर्मूला भाग एक्सपेंड क्या लिए। एक बार देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना जी। इस प्रकार से लिख सकते हैं स्क्वायर में रूट से बाहर निकला कट गया, अब क्या बचा यहाँ पर वन डी एक्स, डी एक्स का एक्स होता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के हो गया ना। दिन लगता है टाइम में फाइव बाय टू और माइनस क्या है फाइव बाय टू। अब फंक्शन देखो हम बताए ना ओड इवन, हाँ क्यों बताए हैं, ये फंक्शन ओड है कि इवन है, ओड है, ओड है ना, तो ओड है इसलिए इसका मानसून होगा, कुछ भी नहीं सोचना। उसके बाद है ये इसी मॉडल पेपर में 29 नंबर का सवाल जो है, अपर लिमिट पाई बाय फोर है, ये जीरो हो गया और टेन स्क्वायर और ये आपको डी थीटा है ना, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो नहीं जानते हो, इसलिए टेन स्क्वायर को हम तोड़ देंगे, माइनस वन। देखो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं इसलिए टेन स्क्वायर को तोड़ देंगे, तो टेन स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये डी थीटा हो गया ना, अब बारी बारी से एकदम कितना बज रहा है, देखो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा, ऐसे आप टेन थीटा दे दीजिए हो गया ना, ये पाई बाय फोर जीरो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस देखिए वन का क्या होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर थीटा के है ना सापेक्ष, तो क्या देना है थीटा, ये पाई बाय फोर जीरो हो गया ना। अब थीटा का मान रखिए थीटा के स्थान पर टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर माइनस टेन जीरो माइनस पाई बाय फोर माइनस जीरो, टेन पाई बाय फोर का मान वन होता है, टेन जीरो का जीरो होता है, ये माइनस पाई बाय फोर जीरो हो गया ना, तो देखिए वन में से जीरो हो गया क्या हो गया, वन एन हुआ, अब माइनस से पाई में गुना कीजिए तो माइनस क्या हो गया पाई बाय फोर, तो वन माइनस क्या हो गया पाई बाय फोर इसका आंसर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, देखो यहाँ पर वक्र दिया है, वक्र का समीकरण क्या है y बराबर एक्स क्यू, y बराबर क्या है एक्स क्यू, और x का मान दिया है x बराबर माइनस दो और x बराबर दोनों चैप्टर को साथ लेके चलेंगे, समझ गया ना, सप्तमा और अठवा चैप्टर को साथ लेके चलना है। चलिए इसका जो है एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये होता है क्या है बी बटे ए हो गया ना जी सर, मान बी बटे नहीं है होता ही है वाई डी एक्स क्षेत्रफल, समझ गया ना। अब देखिए बी का मान, बी का मान क्या है ये वन हो गया ना, ए का मान क्या है माइनस दो, और वाई का मान क्या है डी एक्स हो गया ना, क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। अब देखो पावर में हम क्या करते हैं बोलो, इंटीग्रेशन कैसे बनाएगा, पावर में हम क्या करते हैं, देखो पावर की भाग ले तीन से हो तो तीन में एक जोड़ दबे चार भाग ले ना, ये कितना पावर होले चार होले ना, यहाँ पावर से नीचा हम भाग दे दो, यहाँ इंटीग्रेशन होले और दिक्कत है, देखो पावर कते से तीन से ना, तो तीन में एक जोड़ दिलिये तो कते भाग ले चार से, हम की करबे चार से भाग दे देना है
अब ये माइनस टू हो गया ना ऐसे, अब देखो ये वन है ना, एक्स की जगह वन रखो तो वन टू पावर फोर क्या हो गया, क्या होगा बाय फोर हो गया। अब एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस टू, क्या रखोगे माइनस टू, तो देखो माइनस टू का पावर क्या हो गया फोर अपॉन फोर, तो वन बाय फोर हो गया माइनस, टू पावर फोर का मान कितना होता है सोलह, सोलह में होता है, तो चार चौके तो वन बाय फोर माइनस फोर कितना होगा, चार चौके सोलह माइनस माइनस पंद्रह बटे चार। आज देखो चूंकि क्षेत्रफल है तो नेगेटिव नहीं होगा, इनको मोड में ले लेना, क्या ले लेना है तो पंद्रह बटे चार वर्ग इकाई, क्या हो गया वर्ग इकाई। देखो ऑप्शन में दोनों है, माइनस पंद्रह बटे चार है, पंद्रह बटे चार भी है, तो क्षेत्रफल जो होता है निगेटिव, ऑप्शन सी होगा निगेटिव नहीं होता। अगला जो मीडिया क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक्स बराबर जीरो, एगो एक्स का मान जीरो है, एगो एक्स का मान क्या है पाई है, फुल हिसाब इस प्रकार से है कि एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर पाई के बीच वक्र वाई बराबर साइन एक्स का क्षेत्रफल है, समझ गया ना, तो वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स ये वक्र का समीकरण दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालने एरिया फाइंड क्या करना है फाइंड, समझ गया ना, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए, एफ एक्स लिखो या वाई डीएक्स लिखो, एक ही चीज होता है, तो वाई डीएक्स यहाँ पर वाई का मान दिया है, पुट करो वाई का मान क्या है साइन एक्स डीएक्स हो गया ना, बी का मान देखो ये बी हो गया, ये क्या हो गया ए, ये पाई हो गया, ये जीरो हो गया, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, इंटीग्रेशन इसका होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है प्लस कोस एक्स, पाई जीरो हो गया ना, कोस पाई और माइनस कोस जीरो, फंक्शन का भी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और मान इसका क्या हो जाएगा